नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पटरी पर पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं। रेलगाड़ी में सफर करते वक्त पटरी पर पत्थर देखने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर पटरी पर पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं, इसकी जगह कोई दूसरी चीज का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। आपने आज तक जितनी भी पटरी देखी होंगी उन सभी में आपको ये नुकीले पत्थर जरूर देखे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। ट्रेन की पटरी देखने में जितनी साधारण लगती है, हकीकत में वह उतनी साधारण नहीं होती है। उस पटरी के नीचे कंक्रीट के बने प्लेट्स होते हैं जिन्हें स्लीपर कहा जाता है। इन स्लीपर के नीचे पत्थर होते हैं, इसे ब्लास्ट कहते हैं। इसके नीचे अलग अलग तरह की दो लेयर में मिट्टी होती है और उसके नीचे नॉर्मल जमीन होती है। लोहे से बनी ट्रेन का वजन लगभग 10 लाख किलो तक होता है, जिसे पटरी नहीं संभाल सकती है। इतनी भारी भरकम ट्रेन के वजन को संभालने में लोहे के बने ट्रैक्स, कंक्रीट के बने स्लीपर और पत्थर तीनों का योगदान होता है। वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोड इन पत्थरों पर ही होता है। ट्रैक पर बिछाई जाने वाली गिट्टी यानी पत्थर खास तरह के होते हैं। अगर इसकी जगह गोल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया तो वह एक दूसरे से फिसलने लगेंगे और पटरी स्थिर नहीं रहेगी। इसी वजह से पटरी में हमेशा नुकीले और रफ पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। इन पत्थरों को गिट्टी भी कहते हैं। रेल की पटरी पर पत्थर होने के और भी कारण हैं, जैसे कि यदि ट्रैक पर पत्थर ना बिछाए गए तो ट्रैक पर घास और पेड़ पौधे उग जाएंगे, तो ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ट्रैक पर हमेशा पत्थर रहता है। जब ट्रैक पर ट्रेन चलती है तो कंपन पैदा होती है, जिस कारण पटरियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इस कंपन को कम करने के लिए और पटरियों को फैलने से बचाने के लिए ट्रैक पर पत्थर बिछाए जाते हैं। पटरी पर जब ट्रेन चलती है तो सारा वजन कंक्रीट के बने स्लीपर्स पर आ जाता है। इसके आसपास मौजूद पत्थरों से कंक्रीट के बने स्लीपर को स्थिर रहने में मदद मिलती है। इन पत्थरों की वजह से स्लीपर फिसलते नहीं है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।